हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं चार धामों में से एक धाम श्री जगन्नाथ पुरी की यात्रा में, जिसे बैकुंठ का धाम भी कहा जाता है। माना जाता है कि आप अगर जगन्नाथ पुरी में अपना पांव भी रख दें तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली वाली बात है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उड़ीसा राज्य में स्थित पावन धाम भगवान जगन्नाथ पुरी की संपूर्ण यात्रा की जानकारी आपसे साझा करेंगे। अगर आप भी पुरी की यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी यूजफुल टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आपका ये पूरी यात्रा बहुत ही सुखदमय एवं आनंदमय हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं। जगन्नाथ पुरी देवों का देव महादेव भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी मनुष्य जीवन काल में चार धामों का दर्शन करना चाहिए, जिसमें से एक धाम है भगवान जगन्नाथ का धाम। पुरी जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा साक्षात विराजमान है। माना जाता है कि इसके दर्शन से ही उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी मंदिर अपने आप में एक बहुत ही अलौकिक मंदिर कहा जाता है। तो पुरी का मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ टेंपल, सी बीच एवं अति मनमोहक साइट सीन है, जो कि आप 2 से 3 दिन के ट्रिप में आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, पुरी जगन्नाथ की यात्रा करने के लिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पुरी आना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, उड़ीसा की पुरी रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, तो आप बाय ट्रेन से आराम से यहां आ सकते हैं। और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं, पुरी का नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर सिटी है, जो कि पुरी से महज 60 किलोमीटर दूर है, तो आप आसानी से बाय कार 1 घंटे में पुरी जाएंगे। अब मान लीजिए हम लोग सुबह तक पुरी पहुंच चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट पड़ाव रहेगा होटल लेना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको पुरी में 500 रुपया से लेके 5000 तक 3-स्टार होटल आसानी से मिल जाएंगे। अब बात होती है आप होटल कहाँ लें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पुरी का बीच 2 हिस्सा में बटा हुआ है, एक है गोल्डन बीच और एक है सिल्वर बीच। गोल्डन बीच में जहां बहुत ही भीड़ भाड़ और एनी टाइम रश रहता है, वहीं पर सिल्वर बीच में इसका ऑपोजिट होता है, वहाँ का माहौल बहुत ही शांत रहता है और भीड़ भाड़ भी बहुत कम रहती है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो जगह अच्छा लगे वहाँ पर आप होटल ले लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बीच किनारे होटल लें, क्योंकि वहाँ से समुद्र का नजारा बहुत ही लाजवाब दिखाई देता है। आप अपने हिसाब से होटल ले लें या ऑनलाइन बुक करवा लें। बीच से मंदिर की दूरी तकरीबन 1.6 किलोमीटर है। अब हम लोग होटल तक पहुंच चुके हैं। अब आप फ्रेश होने के बाद मंदिर का दर्शन करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा मंगलमय होगी। दोस्तों, आप याद रखें, मंदिर के अंदर कोई भी कैमरा, मोबाइल एवं लेदर गुड्स अलाउ नहीं है, तो इसको आप होटल में ही रख सकते हैं, या तो ठीक मंदिर के बाहर एक शूज एवं मोबाइल स्टैंड है, जहां पर आप शूज मोबाइल को रख सकते हैं। के बाद आप पंक्तियां में लग जाएं। जैसे ही आप लाइन में लग जाओगे, धीरे धीरे आप मंदिर में प्रवेश करने लगोगे। जब आप मुख्य मंदिर के बाहर पहुंच जाओगे, तब आप वहां पर देखोगे कि हर जगह की तरह भी यहां भी अनुशासनहीनता देखने आपको मिलेगी। मीन्स हर लोग एक दूसरे को धक्के मारते हुए आगे निकलना चाहता है, ये कोई भी बच्चे बूढ़े का परवाह नहीं करता है। इसलिए आप अपना ध्यान खुद रखें। अगर आपके साथ बच्चे गए हुए हों तो उसे आप गोदी ले लें और थोड़ा संयम बनाए रखें। थोड़ी देर में ही आपका श्री भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो जाएगा। ये दर्शन करने के बाद अब मंदिर